राजौरी जिला की मंजाकोट तहसील से 20 साल नौजवान मोहम्मद यासिर पिछले 4 दिनों से दरिया में गरकाब होने के बाद लापता चल रहा था और इसी को मद्देनजर रखते हुए बड़े पैमाने पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मकामी पुलिस व मकामी लोगों की तरफ से एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। वहीं आज इस ऑपरेशन के चौथे रोज मंजाकोट सुखतो दरिया में कटारमल के मकाम पर इस नौजवान की लाश को दरिया के बीच से बरामद किया गया। वही मौका पर मुकामी लोगों ने इस लाश को दरिया से बाहर निकाला, जिसके बाद इसे एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के हवाले किया गया और फिर इसे मजीद कार्रवाई के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया जा रहा है। गौरतलब है कि जुमे की शाम दरिया बूर करते हुए मोहम्मद यासिर नामी ये 20 साल का नौजवान दरिया में गरकाप हुआ था और उसके बाद इसका कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। निकाल दिया है निकाल दिया।